से कमला, चाहे कोई कुछ भी पूछे तो किसी को मत बताना, किसी को पता नहीं चलना चाहिए, सांप को भी। कौन सी बात मेम साहब? अरे दूध पिलाने वाली बात, और कौन सी बात? देख अभी तो ये सो गई है, लेकिन उठेगी ना तो सारा आसमान सर पे उठा लेगी। देख 1000 रुपए तुझे ऊपर से दे दूंगी, ठीक है? मैं दूध बेचने का काम नहीं करती हूँ। अरे तो मैंने ये कब कहा कमला, तू मुझे गलत समझ रही है। फिकर मत करो मिमसा, अपनी बच्ची मानकर दूध पिलाएगी मैं। अच्छा ठीक है, अभी देख जरा इसका डायपर बदलने का टाइम तो नहीं हो गया। हाँ रख वहां पे रख। भाई कमला अभी तू रोज आएगी ना तो इसको साथ में लेके मत आया करना। ये कैसे हो सकता है मेम साहब, इन दोनों में कोई फर्क नहीं है। मेरी बेटी भी 5 दिन की ही है और उसको भी अपनी माँ की जरूरत है, लेकिन मैं आएगी, हर रोज आएगी, पर अपनी बेटी के साथ आएगी। मैंने कहा ना मेम साहब, मैं दूध बेचने के काम के लिए नहीं आएगी, ममता बांटने के लिए आएगी मैं। बड़ा अच्छा भाषण देती है तू, लेकिन कमला तुझे मैं एक बात बता रही हूं और तू ये कभी मत भूल, ये ममता ठीक है लेकिन तू कभी भी मेरी बेटी की मां बनने की कोशिश मत करना। अरे बच्ची की तबीयत खराब हुई होती तो कम से कम जोड़ू ताई को तो पूछती, ऐसे कैसे किसी को बिना बताए चली गई। अरे नहीं मैं तो बोलती हूँ ये पत्थर किसी किराने वाले की दुकान पे गई होगी। इतनी छोटी बच्ची को लेकर गई, अगर हवा लग गई तो? ए पापा, मैं भी नीचे आऊं। आई को नहीं पूछा तूने आई को कि वो कहाँ जा रही है? तू और मैं आई का ख्याल रखने वाले थे ना। अरे ये कहाँ खुलता है था जब कमला गई थी, तो उसे सजा क्यों दे रहा है? अरे ओ कांता मौसी, अब किसी को तो सजा मिलनी ही है, तो बेचारा हमारा पक क्या ही सही बेटा, पक क्या पहले तेरी माँ तेरे लिए बहुत त्याग कर रही है। मौसी इसको बोलो चुप हो जाए वरना इसका चेहरा बिगाड़ दूंगा। क्या रे मंदा, एक तो वैसे ही दिमाग में शोर हो रखा है, क्या क्या बातें आ रही, कहीं कुछ ऊपर नीचे हो गया तो? अरे देवा देवा कुछ तो अच्छा बोल विठल। अरे विठल क्या हुआ? मैं थाने में गया था, अपना महादेव है ना वो बोला मेरे को ये एरिया में कोई नया एक्सीडेंट नहीं हुआ है, और मैं म्यूनिसिपल हॉस्पिटल भी गया था वहाँ पर भी राउंड मारा, कोई नया केस नहीं आया वहाँ पर। अरे तात्या चुप कर, एक तो बेचारे पहले से ही टेंशन में और ऊपर से तू और बकवास कर। बाबा मुझे आई के बोलते हैं, आई को बुलाओ ना। रगाई तेरी आई, हम दोनों को छोड़कर। अब अगर मैं कुछ बोलेगी तो सब के सब मेरे पे भड़के, पर अपने इधर ऐसे ही होता है ना कि बच्चा पैदा करने के बाद माँ और बच्चा 13 दिन तक दोनों घर से बाहर नहीं निकलते। क्यों कांता मौसी अभी बताओ, मैं बराबर बोलती है ना? अरे हाँ अपने पक्या के टाइम पे भी तो 13 दिन वो घर पे रही थी ना। मैं ही ढूंढेगा उसे। क्या बात है कल्पी, आई की याद आई या भूख लगी है तुझे? किसका हो गया हा? रानी देख कल्पी को भूख लगी है, मैं अब भी आती हूँ।
छोड़ ना रानी, देख कल्पी को भी भूख लगी है ना। कमला ये क्या हुआ, तेरी बच्ची इतनी क्यों रो रही है और तू इधर कर क्या रही है? मैंने तुझसे कहा था ना किसी को पता नहीं चलना चाहिए, इधर क्यों आई है? घर पे कोई नहीं था, आपकी भी आंख लग गई थी, सोचा बच्चों के आवाज से अब उठ ना जाए, इसीलिए इन्हें यहाँ लेकर आए। अरे तो तेरी बच्ची इतनी जोर जोर से रोएगी तो आंख तो ऊपर भी खुली जाएगी ना। तो साथ लाना जरूरी है, मतलब तू साहिल देखो भगवान ने मेरी सुन ली, मैं तो खामोखा ही टेंशन ले रही थी, आज मालूम है मैंने बेबी को दूध पिलाया है। देखो ना कैसे चैन से लेती है दूध पीकर। ये तो बहुत अच्छी बात है, मैंने कहा था ना सब ठीक हो जाएगा। हाँ वही तो, साहिल आज मुझे लगा है कि मैं माँ। आज मेरी बच्ची ने मुझे अपना लिया है। मैं तुमने एक बात नोटिस करी है, जैसे कमला भाई के कदम इस घर में पड़े हैं प्रॉब्लम्स अपने आप सॉल्व हो जाते हैं। हाँ इसलिए कहते हैं ना भगवान गरीबों के साथ ही रहते हैं। पता नहीं फिर भी वो गरीब ही क्यों रहते हैं, पता नहीं। कमला तू यहां कैसे, तू तो चली गई थी ना, आए घर में इतनी शांति कैसे है? बच्ची तो ठीक है ना, नीतू कहां है? नीतू। हाँ मम्मी जी मैं यहां हूं, क्या हुआ? नीतू कमला यहां? अरे मम्मी जी नर्स को तो आपने निकाल दिया ना, तो फिर क्या करूं, किसी को तो कुछ करना पड़ता, तो मैं जाके से ले आई वापस। क्यों कुछ गलती कर दी मैंने? नहीं बेटा बहुत अच्छा किया, चल इतनी अक्कल तो आई तुझे। ये तो आपने पूछा ही नहीं, क्या बच्ची कैसे चुप है? हाँ ये तो मैं भी सोच रही थी। मैंने इसे आज दूध पिलाया। क्या? अपना दूध। सर मुबारक हो। हाय रब्बा तेरा लाख लाख शुक्र है, चमत्कार हो गया है। और मैं कहती ना थी तुझे कि तू जरा ज्यादा ही चिंता करती है, और बेटा शांत मन से रब से मांगो सब मिलता है। आए आए तूने तो आज खुश कर दिया मुझे, मैं तुझे गिफ्ट दूंगी, बड़े सोने टॉपर्स देख के आएंगे, एकदम लेटेस्ट डिजाइन वाले डायमंड के बड़े बड़े डायमंड लगे हैं। ताई मिली क्या? आने दे उसको, आज आज मैं बताएगा। मैं उसको कुछ नहीं बोलता है तो उसको लगता है कि मैं कमजोर है, जो मन में आएगा वो करेगी और मैं कुछ नहीं बोलेगा। बाबा आई किधर है, आप उसे लेके आए। देख बट्टल अब तू चाहे मेरे पे कितना भी गुस्सा कर, पर मेरे को मालूम है कि तेरी बीवी किधर को गई है। ए, मुझे नहीं सुनना तेरे मुंह से, और ना ही जानना है कि मेरी बीवी किधर गई है। वो जिधर भी गई होगी खुद आएगी बता देगी कहां गई थी। तो ले
आ गई तेरी बीवी कमला। कहां से आ रही है? वैसे कमला किधर गई थी तू? यहाँ पे विट्ठल ही नहीं बाकी सारे लोग ये जानना चाहते कि तू किधर को गई थी। वैसे मेरे को तो मालूम है कि तू किधर गई थी, लेकिन बाकी सारे लोग तेरे मुंह से जानना चाहते कि तू किधर गई थी। तो बोल किधर से आ रही है? कमला आज कुछ नहीं बोलेगी, चुप। एक बात समझ ले मंदा, मुझे पता है तुझे मजा आता है दूसरे का जिंदगी नरक देखने में। तेरा नशा है ये दूसरे के घर में आग लगाकर उसका तमाशा देखने का, लेकिन तू गलत घर में घंटी मार रही है। मुझे पता है तुझे ये तकलीफ है कि मेरी बीवी किधर गई है। नहीं, तू गलत समझी, क्योंकि तेरा दिमाग ऐसे ही चलता है, इसलिए तेरा मरा तुझे छोड़कर गया। मैं अपनी बीवी पर शक नहीं करता, मुझे इस बात की फिक्र नहीं थी कि मेरी बीवी अकेली क्यों गई, मुझे इस बात की फिक्र थी कि मेरी बीवी छोटी बच्ची को लेकर अकेले क्यों गई। मंदा आज मैं प्यार से समझा रहा था, अगली बार अगर मेरी बीवी बच्चों के मामले में दखल देने की कोशिश की तो धन्यवाद आप लोगों का जो आपने हमारी तकलीफ बांटी। मेरी बीवी आ गई है और ठीक है। आप लोग अब विट्ठल ऐसे बोलने की जरूरत नहीं है। तू कब से परेशान हो रहा था, इधर से उधर घूम रहा था, हमका भी कोई शौक नहीं है यहाँ पे खड़ा होने का। चलो चलो भाई, सब लोग अपने अपने काम पे लगो, चलो। अरे कमला आ गई तू? अब भी आई हो मौसी, इतनी देर लगा दी डॉक्टर के पास। सब ठीक है ना? हो अरे ये सब लोग ऐसे क्यों खड़े ले? और न्यूज में आया था सरकार यहाँ पे सोना बांट रही है, तो सब लोग मुफ्त में सोना लेने के लिए खड़े हैं। छोटा पहाड़ निकला जुआ। चलो प्रेम, मैं बेबी को सुलाने की कोशिश कर रही हूँ ना। ये तो ऑल टाइम या तो सोती रहती है या फिर रोती रहती है। अभी अब मेरे साथ खेलो ना, इसको साइड में रख दो। ये क्या बात करने का तरीका है? बिहेव योरसेल्फ और धीरे से बोल। जा दादी के साथ खेल। मुझ बुढ़िया के साथ क्या खेलेगा? अले अले अले, इसे मुझे दे दो और तू इसको बहला ले।
मम्मी जी रहने दीजिए ना, पहली बार इतनी शांति से मेरी घर में लेती है। बिल्कुल माँ जैसी है। तो माँ पे तो जाएगी सुंदर सुंदर बच्चा। ओए तू आजा, तुझे मैं एप्पल काट के देती हूँ, आजा आजा मेरे साथ। शाबाश। डॉक्टर ने क्या दवाई दे दी है, मम्मा को बार बार बाथरूम जाना पड़ता है। एक मिनट आप इधर लेट जाओ और मैं जल्दी से आती हूँ, ठीक है? अभी आए। कितना प्यार कर रहा है ना? नहीं काम करना, इसका झुंझुना लेकर। ठीक है मम्मा। हाँ झुंझुना, रोना नहीं, भूख तो नहीं लग रही है। कमला तो सुबह तक नहीं आएगी। आपको मिलकर आई। तुझे शर्म नहीं है ना? पांच दिन का बच्ची है तेरा और तू काम करेगी? मैं काम करने नहीं गई थी विठल। कल रात को कपूर साहब आए थे। अपने बच्चे को लेकर। मेम साहब को दूध नहीं हो रहा है ना, बेचारी बच्ची भूख के मारे बीमार हो रही थी। हाँ। तो साहब उसको यहाँ लेकर आए, बच्ची को मेरे हाथ में रखा और कहा कि तू पिला दे उसकी बच्ची को दूध। क्या दिव्या मौसी को देख के काम पे से आई है कि नहीं? अभी कहाँ आ गई होगी दिव्या? हाँ पापा, अभी दिव्या मौसी नहीं आई होगी। बेटा मैंने कहा ना दिव्या मौसी को देख के आओ, मतलब देख के आओ। बच्चे के सामने ये बात करने की जरूरत नहीं है। और क्या रे, वो सेठ पहले मेरा रोजी रोटी छीना, अब मेरी बेटी का दूध भी छीनेगा? ये कैसी बात कर रहा है तू विठल? एक छोटी बच्ची की जिंदगी का सवाल है और मैं भी माँ है, मना कैसे करती? नहीं कमला जाधव कैसे मना कर सकती है, महान है कमला जाधव। तो वो सेठ की वजह से मैं एक रात जेल में रहा, वो सेठ की वजह से मेरा मिल बंद हो गया हमेशा के लिए, कभी नहीं खुलने वाला, गया। लेकिन तू मेरी बेटी का हक किसी को बांट नहीं सकती, कभी नहीं। और दूध पिलाने का मतलब जानती है तू कमला? एक औरत अपने बच्चे को दूध नहीं पिलाती है,
अपनी ममता की घुटी पिलाती है, एक ऐसी घुटी कि वो मरते दम तक उस बच्चे की नस नस में रहती है। मरते दम तक।